फेस्टिवल आ गए हैं तो उसका मेकओवर तो चाहिए ना। तो मैंने यहाँ पे मेकओवर किया हुआ है फेस्टिवल लुक, जिसमें आप फेस्टिवल में अच्छी तरीके से इसी तरीके से डेकोर कर सकते हैं। तो मैं हूँ स्वाति, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये जो वीडियो आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने मेकओवर दिया हुआ है और जो भी सामान मैंने यूज़ किया है डेकोर के आइटम सब मीशो से परचेज किया हुआ है। और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम से भी नहीं जुड़े हैं तो इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटेंट डालती रहती हूँ, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। थोड़ा सा मेरा आवाज़ बैठा हुआ है इसलिए आपको ऐसे आवाज़ आ रहे होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो मैंने सारे सामान हटा करके खाली कर दिया है इस तरीके से दिखता है, जहाँ पे मैं प्लेन कर्टन लगाने वाली हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सबका, जितना भी मैं दिखा रही हूँ ना सबका लिंक एंड कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक कर लेना। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास लैंटर्न है और मैंने दो का सेट लिया था और ये मैक्रेम वाले थ्रेड। तो इसे ही हम लोग को थ्रेड को अटैच करके अपने कर्टन में हैंग करना है शेप देख करके। तो ऊपर से नीचे नीचे ऐसे करके हम लोग को शेप देना है। और इसके अंदर में ना कैंडल लाइट मैं लगा दूंगी जिससे ये लाइट बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो पहले तो इसे हम लोग नोट लगा लेते हैं जिसे हम लोग वहाँ पे अपने कर्टन में हैंग कर ले। वाइट इसलिए कर्टन लिया है क्योंकि वाइट कर्टन में जो ऑफ वाइट कर्टन है उसमें उभर के लैंटर्न आएगा और दिखेगा कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और फेस्टिवल लुक है तो थोड़ा सा लैंटर्न वगैरह लगा लेने से काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर बहुत सारे लैंटर्न ले लिया है जो शेप शेप में मुझे मेरे पास थे जो मैंने परचेस किए थे मीशो से, उसका मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है और देखने में कुछ इस तरीके से लग रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, आपको कैसा लग रहा है कमेंट करना। फिर यहाँ पे मेरे पास उर्ली था जो मैंने हैंगिंग वाले लोटस वाले मंगाए थे हैंग करने के लिए, वो मैंने यहाँ पर लगा दिया है इसके नीचे में। और फ्लावर वगैरह आप लगा के लाइट लगा सकते हो। फिर मेरे पास लीव वाले एलईडी लाइट थे जो मैं अपने कर्टन में भी यूज़ की थी, आपने पहले भी देखा होगा, उसे मैंने पीछे के साइड में इस तरीके से हैंग कर दिया है जिससे पीछे में जब लाइट चलेगा ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, कुछ इस तरीके से जैसे कि मैंने आपको दिखाया। आपको कैसा लग रहा है? तो यहाँ पर मैं सेट कर ले रही हूँ अच्छी तरीके से, इसे देखने में काफ़ी अच्छा लगे और जब लाइट जलेगा तो वाओ। तो फिर मैंने ट्रायंगल वाले यहाँ पर ये रैक रखा है वुडन में, जो कि इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा आई अच्छी आई हुई है। अगर आपने परचेस किया होगा तो आपको पता होगा कि बहुत ही अच्छी आई है। और ये जो आपको विंडो मिरर दिख रहा है ना, इसका सेम टू सेम मैं तो नहीं दे पाऊँगी, लेकिन उसी के टाइप का एक और आया हुआ है जो इसका लिंक मैं दे दूँगी। अगर आपको लेना है तो आप देख सकते हो, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना। यहाँ पर मेटल के दो के सेट है जो कि 220 रुपीज़ में मुझे दो के सेट मिल गए थे। और वहाँ पे फ्लावर ये प्लांट हैंगिंग रखा है और यहाँ पे रैक रख के मेरे हस्बैंड का गिटार मैंने सोचा चलो यहाँ रखती हूँ, तो यहाँ पे मैंने रख दिया है। और तीन का सेट जो प्लांटर था उसे लेकर के बड़े वाले लीव यहाँ पे रख दिए हैं, जो पॉट के साथ नहीं आए थे, सिर्फ लीव आए थे। एक और साइड टेबल लिया, कॉफ़ी टेबल। और यहाँ पर मैंने ये बहुत ही सुंदर वुडन में लाइट ले लिया है जो दिखने में बहुत सुंदर है, जब जलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर मैंने 3 सीटर का सोफ़ा ले लिया है और इसे ही लगा करके मैं दिखाने वाली हूँ। और ये है सोफ़ा कवर जो मैंने अभी रिसेंट में परचेस किया है, इसका डिज़ाइन देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, तो चलो इसे लगा लेते हैं। तो मैंने इसे यहाँ पे लगा लिया है और ये लगने के बाद बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये वाइट कलर में है, इसके डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर इस टाइप का अगर सोफ़ा कवर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। मैंने बहुत सारे सोफ़ा कवर इसे टाइप में नेट में मंगा के रखा हुआ है, आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। मुझे पर्सनली नेट का कवर जो सोफ़ा कवर होते हैं ना बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आपको कौन सा वाला सोफ़ा कवर देखना है कमेंट करना, मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर कर दूँगी, रिव्यू शेयर करूँगी कि वो कैसे आए हुए हैं। मुझे तो ऐसे नेट के अच्छे लगते हैं इसलिए मैं हमेशा नेट के लगाती हूँ और डेकोरेट करती हूँ। तो ये मैंने अभी सिल्क में अच्छे वाले सिल्क में आए हुए हैं कुशन कवर जो एकदम फेस्टिवल लुक तो लग ही रहा है। आप देखो आपको कैसा लग रहा है, कुछ इस तरीके का मैंने मंगवाया हुआ था सोफ़ा कवर, ये 316 रुपीज़ का ऐसा कुछ मिल गया था। तो दो कलर, दो दो के अलग अलग कलर थे, एक रेड में और एक ग्रीन का टच में था, एक येलो था, जो देख रहे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये कुशन कवर मेरा तो फेवरेट हो गया है, आपको कैसा लग रहा है आप कॉमेंट करके ज़रूर बताना।
साइड में एक और प्लांटर मैं लगा दे रही हूँ और बड़े वाले प्लांट लगा दी हूँ कुछ इस तरीके से जो अभी मैंने मंगवाया हुआ था। और ये है यहाँ पे रनर जो वाइट कलर के हैं, मेरा फेवरेट क्योंकि मुझे वाइट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पर मैंने ये वाले रनर लगा लिए हैं। और इसमें ऊपर पफी स्टूल जो मैंने इंस्टाग्राम पेज से मंगाया था उसके ऊपर ये डागरा जो उसके ऊपर से मैं डेकोरेट करूँगी, यहाँ पे प्लेसमैट रख दे रही हूँ। यहाँ पे कुछ डेकोरेटिव आइटम जो कि मैंने मीशो से ही परचेस किया, मतलब यहाँ पे जो भी मैं दिखाई हूँ ना सबके सब मैंने मीशो से ही परचेस किया हुआ है। और यहाँ पे राजस्थानी क्यूट कपल रखा था फिर हटा दी क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर यहाँ पे एक प्लांट रखी और यहाँ पे कैंडल रख दी हूँ। बस इतने ही रखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। और कुछ इस तरीके से हमारा डेकोरेट हो गया है और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि फेस्टिवल आ गए हैं और इस तरीके का लुक देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरीके से आप कर्टन चेंज कर सकते हो अपने फेस्टिवल में, कुशन कवर चेंज कर सकते हो, सोफ़ा कवर चेंज कर सकते हो। और इधर के सामान उधर, बहुत ज़्यादा अगर आप परचेज नहीं कर पाते हो तो आप बस इधर के सामान उधर, उधर के सामान इधर करके भी डेकोरेट कर सकते हो। और कुछ सेंटर टेबल में आप थोड़ा सा कैंडल लाइट फ्लावर इस तरीके से रखोगे ना तो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो मैंने कुछ इस तरीके से छोटे मोटे आइटम सजा करके इधर के सामान उधर और उधर के सामान इधर करके डेकोरेट किया है। आपको कैसा लग रहा है? अगर आपको अच्छा लग रहा है या फिर थोड़ा सा भी अगर ये वीडियो हेल्पफुल हुआ है या फिर इसी तरीके से अगर आप डेकोर करना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सबका लिंक एंड कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, आप चेक कर लेना। बहुत लोग कहते हैं कि लिंक नहीं खुलता है, लेकिन बहुत लोग तो परचेस कर पाते हैं क्योंकि बहुत लोगों का खुल जाता है, तो कैसे आपका नहीं खुलता है? आप अपडेट कर लेना, यूट्यूब शायद अपडेट नहीं होगा या फिर मीशो अपडेट नहीं होगा, अपडेट कर लेना। और मीशो में तो सेल चल रहे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो फटाफट से परचेस, जो भी आइटम परचेस करना चाहते हो कर सकते हो क्योंकि काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। स्मार्ट कॉइन मिल जाता है और ऑनलाइन पेमेंट में काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है क्योंकि अभी 6 तारीख से 13 तारीख तक डिस्काउंट चलने वाले, मतलब सेल चलने वाले हैं, काफ़ी अच्छा डील मिल रहा है। मैंने भी बहुत सारे आइटम परचेस किए हैं, आप लोगों के साथ शेयर बहुत जल्द करने वाली हूँ, कुछ नए कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। अगर आपको कुछ और भी देखना है तो कमेंट करना, मैं उसे ज़रूर परचेस करूँगी और आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँगी जिससे आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो पाएगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे डेकोर करके रखी हुई हूँ। थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, फैमिली फ्रेंड्स साथ शेयर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन के थ्रू आप तक पहुँच जाएगा, वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं होगा। फैमिली फ्रेंड्स साथ शेयर कर देना, जिस तरीके से आपको भी हेल्पफुल हो जाता है तो आपके फैमिली फ्रेंड को भी हेल्पफुल हो जाएगा, तो थोड़ा शेयर कर देना। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आप पूरा फुल वीडियो देखो और इन्जॉय करो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।